बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मानो। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी, चिकन जलफ्रेजी। तो चलें आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी मजेदार रेसिपी फौरी मिलती रहे। तो चलें आज की चिकन जलफ्रेजी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पैन ले लेती हूँ, उसमें मैंने 4 से 5 चम्मच ऑयल शामिल किया है। ऑयल मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इस टाइम मैंने चूल्हे का जो फ्लेम है बिल्कुल स्लो पे रखा हुआ है और अब मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन जो मैंने बोनलेस कट करके रखा हुआ है। चिकन इसमें तकरीबन मैंने 250 ग्राम शामिल किया है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से ऑयल में मिक्स कर रही हूँ चिकन को। 1 से 2 मिनट तक के लिए मैं इसको फ्राई करूंगी। चिकन देखिए हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले जिसमें मैंने शामिल किया है गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून इसमें मैंने जिंजर पाउडर शामिल किया है। अब मैं चिकन को अच्छी तरीके से जिंजर गार्लिक पाउडर में अच्छी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा चिकन में जायका आएगा। देखिए 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छी तरीके से फ्राई किया है जिंजर और गार्लिक पाउडर में। और अब मैं इसमें बाकी के मसाले शामिल करती हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स का शामिल किया है। और सब मसालों को मैं अच्छी तरीके से चिकन में फ्राई कर लूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अब मैं इसमें शामिल करती हूँ थोड़ी सी सॉसेस। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका शामिल किया है। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस शामिल की है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके कवर कर रही हूँ तकरीबन 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और कितना अच्छा सा इसका कलर आ चुका है चिकन का। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी केचप, जो मैंने 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने इसमें केचप के शामिल किए हैं। चिली गार्लिक सॉस मैंने इसमें 1 टेबलस्पून शामिल की है और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए मैं अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ। देखिए इसमें मैंने केचप और सब चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं और मैं इसको मिक्स करके इसको साइड पे रख देती हूँ। चिकन जलफ्रेजी के लिए थोड़ी सी सब्जियों को हम अलग से पैन में सौते करते हैं। तो चलें एक पैन ले लेते हैं। मैंने अब पैन ले लिया है। 2 से 3 खाने के चम्मच मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। 1 बड़ी प्याज को मैंने चॉप करके इसमें शामिल कर लिया है, वो मैंने क्यूब शेप में कट की है सारी सब्जियों को। और मैं इसमें शामिल करूँगी शिमला मिर्च, इसको भी मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ है। 2 टमाटरों को भी मैंने क्यूब साइज में कट करके रखा हुआ है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दिया है। और हम इन सारी सब्जियों को फ्राई करेंगे। मैं इसको अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। इसको ज़्यादा हम सॉफ्ट नहीं करेंगे, थोड़ी सी क्रिस्पी क्रिस्पी रखेंगे। तकरीबन मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। तो देखिए सब्जियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। दो से तीन मैंने हरी मिर्च में शामिल की हैं। 1 प्याली में मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर घोल के रखा हुआ था, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रहूँगी। अब इसको हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि कॉर्नफ्लावर का थोड़ा सा कच्चापन होता है वो निकल जाए। चले अब हम इसमें वेजिटेबल शामिल करते हैं जो मैंने फ्राई करके रखी हुई हैं। वो सारी वेजिटेबल्स देखे मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से चिकन और सॉस में मिक्स कर लीजिएगा ताकि सबके अच्छा सा टेस्ट आ जाए और खूब मज़ेदार सा चिकन जलफ्रेजी जो है वो रेडी हो जाए हमारा। देखें कितनी मज़ेदार, कितनी ही झटपट हमारा चिकन जलफ्रेजी रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ चिकन जलफ्रेजी को। मैंने इसके साथ किए थे बॉइल्ड राइस। तो देखिए आज की रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है चिकन जलफ्रेजी की। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोग मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों मेरी कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।